महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो तो एक जीवन में उतार कर रखना, जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरापान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ तो उस जल में से जब शिवजी को जल चढ़ाओ और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिवजी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है तो शिव ने उसको औषधि कर प्रदान करा है, शिव ने उसको औषधि के रूप में दिया। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ तो बैरागी का होता है, त्यागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसका होता है। पर कई लोग इस पे संशय करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ खा लेना चाहिए और कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, तो हम किसकी माने? हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो, क्या कर दो, इसको औषधि कर दो, प्रभु मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, आप इसको अमृत कर दो, इसको औषधि कर दो।